बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को धमकियां मिलने का मामला अभी भी ठंडा नहीं हुआ था कि उनके फार्म हाउस में दो अनजान लोगों ने जबरन घुसने की कोशिश की। अब इस केस में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। इन दोनों लोगों को पुलिस के हवाले कर दिया गया था, लेकिन पुलिस की पूछताछ में इस केस का एक नया ही एंगल सामने आया है। इस पूछताछ में क्या पता चला है, आइए इस वीडियो में जानते हैं। मेरा नाम है कुंवर शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। 4 जनवरी की शाम 4 बजे दो अनजान लोगों ने एक्टर के फार्म हाउस में जबरन घुसने की कोशिश की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों शख्स फेंसिंग के तार तोड़कर अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे। फार्म हाउस में दो अनजान लोगों को देखकर वहां मौजूद सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें तुरंत रोक दिया। इसके बाद फार्म हाउस के मैनेजर को बुलाया गया। दोनों शख्स से पूछताछ की गई तो उन्होंने खुद को सलमान खान का फैन बताया, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड्स को दोनों की बातों पर भरोसा नहीं हुआ। मौके पर पुलिस को बुलाया गया। पुलिस की माने तो घटना के समय सलमान खान अपने फार्म हाउस में नहीं थे। दोनों आरोपियों को पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस से पूछताछ में यह खुलासा हुआ कि दोनों आरोपियों के पास फर्जी आधार कार्ड है। आरोपियों के पास से कोई हथियार नहीं मिला है, लेकिन इस तरह से फेंस के तार तोड़कर फार्म हाउस में घुसने की कोशिश संदिग्ध जरूर है। बता दें, आरोपियों के नाम आजेश कुमार गिल और गुरसेवक सिंह है। नवी मुंबई पुलिस द्वारा की गई पूछताछ में इन दोनों के पंजाब और राजस्थान से होने की जानकारी मिली है। दोनों के खिलाफ आईपीसी की धारा 420 यानी धोखाधड़ी करने की कोशिश, धारा 448 यानी कि ट्रेसपासिंग, धारा 465 ठगी, धारा 468 और धारा 471 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। इस पूरे मामले पर पुलिस उपायुक्त पंकज ढाणे ने कहा कि दोनों आरोपी अपने गांव में झगड़ा होने की वजह से मुंबई आए थे। वे बोरीवली के गेस्ट हाउस में रुके थे। जब उनसे आई कार्ड मांगा गया तो उन्होंने ऐप में एक फेक आईडी कार्ड बनाकर दिखा दिया। वे दोनों मुंबई में स्थित कई एक्टर्स के घर गए और वहां फोटोज भी ली। इसके बाद दोनों ने सलमान खान के पनवेल फार्म हाउस में जबरन जाने की कोशिश की, जिसके चलते वो गिरफ्तार किए गए। आरोपियों पर फेक आईडी कार्ड और ट्रेसपासिंग के तहत मामला रजिस्टर किया गया है। गौरतलब है कि इस मामले पर भी अभिनेता सलमान खान ने हर बार की तरह चुप्पी साधी हुई है। इस मामले पर जो भी बड़ा अपडेट आएगा वो भी हम आपके सामने जरूर लाएंगे। इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म।